हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं mkdir कमांड का यूज। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में mkdir कमांड का यूज डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं। जैसे अभी हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है /root और उसके अंदर /desktop। अब हमें डेस्कटॉप पे कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा mkdir space उस डायरेक्टरी का नाम जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मैं क्रिएट करना चाहता हूं एबीसी, और उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। यदि आपको मल्टीपल डायरेक्टरी एक साथ क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा mkdir स्पेस डायरेक्टरी 1 स्पेस डायरेक्टरी 2 स्पेस डायरेक्टरी 3। जितनी डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी है उनका 1 by 1 आपको नेम लिखना है, और उसके बाद में एंटर प्रेस करना है। देखिए डेस्कटॉप पे 3 डायरेक्टरी एक साथ क्रिएट हो गई है। इस तरह मल्टीपल डायरेक्टरीज भी आप क्रिएट कर सकते हैं एक साथ एक ही कमांड की सहायता से। उसके बाद बात करते हैं कि मल्टीपल सब डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहां पर आपको mkdir कमांड के साथ में -p ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, XYZ और उसके अंदर अजय और उसके अंदर विजय। तो ये कमांड है जो मल्टीपल सब डायरेक्टरी को एक साथ क्रिएट करेगा। यहां पर हमने -p ऑप्शन यूज किया है। उसका यूज क्या है कि यदि XYZ और अजय पेरेंट डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, तो पहले mkdir कमांड इन पेरेंट डायरेक्टरी को क्रिएट करेगा और उसके बाद में सब डायरेक्टरी को क्रिएट करेगा। यानी अगर पेरेंट डायरेक्टरी अवेलेबल एग्जिस्ट नहीं है, तो सबसे पहले ये पेरेंट डायरेक्टरी क्रिएट करेगा और उसके बाद में सब डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। यदि आप -p ऑप्शन यूज नहीं करते हैं तो, और अगर पेरेंट डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, तो ये कमांड एरर शो करेगा कि दिस डायरेक्टरी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसके लिए हम -p ऑप्शन यूज करेंगे कि अगर पेरेंट डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, तो सबसे पहले पेरेंट डायरेक्टरी क्रिएट करें और उसके बाद में सब डायरेक्टरी क्रिएट करें। तो ये कमांड देखिए, यहां पर डेस्कटॉप पे कोई भी XYZ नाम की डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले XYZ क्रिएट करेगा और उसके बाद उसमें अजय क्रिएट करेगा और उसके बाद उसमें विजय। तो एंटर प्रेस करके देखिए, तो देखिए यहाँ पर XYZ नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर अजय नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर विजय नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। इस तरह आप मल्टीपल सब डायरेक्टरी एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जब आप डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं और उस डायरेक्टरी पर आपको उसी समय आपको ऐसी परमिशन सेट करनी है कि ऑल यूजर्स उस डायरेक्टरी कंटेंट को रीड कर सकें, राइट कर सकें और एग्जीक्यूट कर सकें। तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा mkdir स्पेस -m फिर a की जगह आप o भी यूज कर सकते हैं, a फॉर ऑल यूजर्स इक्वल टू, इसको आपको जो भी परमिशन असाइन करनी है वो आप असाइन कर सकते हैं। RWX का मतलब होता है रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी आप उस डायरेक्टरी पर फुल ऑल यूजर्स के लिए फुल परमिशन आप सेट कर रहे हैं RWX, और उसके बाद में डायरेक्टरी का नेम लिखना है। तो यहां पर मैं डायरेक्टरी का नेम लिखता हूं अजय, एंटर। तो यहां पर अजय नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है और ls-l कमांड की सहायता से परमिशन सेट करके देख लीजिए। देखिए हमने एबीसी क्रिएट किया था, तो सभी जो यूजर थे उनको ऑल यूजर्स को ऑल अदर यूजर्स को रीड ओनली परमिशन मिल रही थी, रीड और एग्जीक्यूट के। जबकि यहाँ पर अजय नाम के जो डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया थी उसमें देखिए ऑल अदर यूजर्स को RWX यानी फुल परमिशन असाइन हो रही है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। ये जो फर्स्ट परमिशन है RWX ये डायरेक्टरी ओनर के लिए, RX सेकेंड वाला जो है वो ग्रुप ओनर के लिए, और थर्ड वाला जो है वो ऑल अदर यूजर्स के लिए यूज होता है। तो यहां पर ओनर को भी फुल परमिशन, ग्रुप ओनर को फुल परमिशन और ऑल अदर यूजर्स को भी फुल परमिशन यहाँ पर असाइन हो चुकी है। जबकि एबीसी नाम की डायरेक्टरी जो है उस पर ओनर को फुल परमिशन, ग्रुप ओनर को रीड ओनली और ऑल अदर यूजर्स को रीड ओनली की परमिशन है।
तो इस तरह आप जब डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं तब आप परमिशन भी उसके साथ में सेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और कमांड है, उसकी सहायता से भी आप जब डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं उसी समय उस डायरेक्टरी पर आप परमिशन सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा mkdir स्पेस डायरेक्टरी नेम, जैसे मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ विजय, और उसके बाद हाइपन बी हाइपन एम ऑप्शन, और उसके बाद जो भी परमिशन आप सेट करना चाहते हैं, जैसे मैं सेट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल परमिशन असाइन कर रहा हूँ यहाँ पर मैं 777। 777 का मतलब होता है फर्स्ट केवल एक सेवन की बात करते हैं, तो आप परमिशन दो तरह से सेट कर सकते हैं, एक सिंबॉलिक परमिशन और एक न्यूमेरिकल। सिंबॉलिक में आर डब्ल्यू एक्स का यूज किया जाता है और न्यूमेरिकल में आर के लिए चार लिखा जाता है और डब्ल्यू के लिए दो और एक्स के लिए एक, टोटल इनका होता है 4 + 2 + 1 = 7। 7 का मतलब होता है कि आप उस यूजर को या उस डायरेक्टरी पर फुल परमिशन आप सेट कर रहे हैं, फुल परमिशन आप उसको असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 7 है वो यूज होता है ओनर के लिए, फाइल या डायरेक्टरी ओनर के लिए। सेकेंड जो 7 है वो यूज होता है ग्रुप ओनर के लिए, और थर्ड जो 7 है वो यूज होगा ऑल अदर यूजर्स के लिए। तो यहां पर जो 7 परमिशन दे रहा हूं, यानी ओनर को फुल परमिशन असाइन होगी और ग्रुप ओनर को फुल परमिशन असाइन होगी और ऑल अदर यूजर्स को भी फुल परमिशन असाइन होगी। तो एग्जीक्यूट करके देखिए कमांड, तो विजय नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर देख लीजिए, और ls-l करके कमांड एग्जीक्यूट करके परमिशन आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर विजय नाम की जो डायरेक्टरी है उस पर भी फुल परमिशन, सभी यूजर को फुल परमिशन असाइन हुई है। यदि आप केवल रीड ओनली की परमिशन देना चाहते हैं या फिर ऑल अदर यूजर्स को कोई भी परमिशन आप असाइन नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ परमिशन सेट करने की 0, और यहाँ पर मैं डायरेक्टरी चेंज कर देता हूँ संजय। तो संजय नाम की डायरेक्टरी क्रिएट होगी, उस पर ऑनर को फुल परमिशन होगी, ग्रुप ऑनर को फुल परमिशन और ऑल अदर यूजर्स को नन परमिशन, यानी जैसे वो उस डायरेक्टरी को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ट्राई करेंगे तो वहां पर एरर आएगी परमिशन डिनाइड, कि उनको परमिशन नहीं है। तो संजय नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, ls-l कमांड एग्जीक्यूट करके देखिए। तो देखिए संजय पे देखिए ऑल अदर यूजर्स को कोई भी परमिशन असाइन नहीं हुई, हमने यहाँ पे 0 यूज किया, 0 का मतलब आप उसे फुल्ली डिनाई कर रहे हैं। तो जैसे ही ऑल अदर यूजर्स यानी रूट के अलावा अगर कोई यूजर इस डायरेक्टरी को एक्सेस करेगा तो उसको एक एरर मैसेज मिलेगा परमिशन डिनाइड, कि आप उस डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह आप जब डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं तो उसी समय आप परमिशन भी उनको असाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि डायरेक्टरी ट्री कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे यहां पर एक डायरेक्टरी ट्री अवेलेबल है एबीसी, सबसे पहली डायरेक्टरी पेरेंट डायरेक्टरी और उसके अंदर 3 सब डायरेक्टरी ए बी और सी, और ए सब डायरेक्टरी के अंदर 2 सब डायरेक्टरी और है A1 और A2। तो इस तरह का आपको एक डायरेक्टरी ट्री क्रिएट करना है। तो कैसे करते हैं, आपको एक ही कमांड एग्जीक्यूट करना है और उस एक ही कमांड की सहायता से ये पूरा डायरेक्टरी ट्री क्रिएट हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको देख लेते कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एबीसी पहले से यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएटेड है, तो एबीसी की जगह हम दूसरा नाम दूसरी डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर mkdir कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर हाइपन पी ऑप्शन आपको यूज करना है, और पेरेंट डायरेक्टरी मैं क्रिएट कर रहा हूँ माई सॉल्यूशंस, और उसके अंदर स्लैश कर्ली ब्रेस स्टार्ट करना आपको। उसके बाद आपको 3 डायरेक्टरी क्रिएट करनी ए, और एक के अंदर फिर से 2 सब डायरेक्टरी A1, A2, और उसके बाद कर्ली ब्रेस ओवर फिर B, C और कर्ली ब्रेस ओवर,
एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है माई सॉल्यूशंस नाम की, और माई सॉल्यूशंस के अंदर तीन सब डायरेक्टरी है ए बी और सी, और ए के अंदर दो सब डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है ए वन और ए टू। तो इस तरह आप ये कमांड एग्जीक्यूट करके आप डायरेक्टरी ट्री भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।